नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में अभी अगर आपसे कोई पूछे कि कितने जिले मौजूद हैं, तो आप कहेंगे 38। लेकिन अब आने वाले समय में जब आपसे कोई पूछेगा कि कितने जिले हैं, तो आप 38 नहीं 39 कहेंगे, क्योंकि अब उम्मीद है कि बिहार को एक और जिला मिलने वाला है। हालांकि ये चर्चा बिहार में कोई नई नहीं है, इससे पहले भी बिहार को नए जिलों की सौगात देने की चर्चाएं होती रही है। लेकिन इस बार जो खबर फैल रही है उसको लेकर यकीन इसीलिए भी हो रहा है क्योंकि यह संकेत किसी और ने नहीं बल्कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिए हैं। जी हां, आपने सही सुना। दरअसल इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने संघर्ष के दिनों के मित्रों से मुलाकात कर रहे हैं। आजकल तो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम का जमाना है, लेकिन सीएम नीतीश इस नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ने के बजाय व्यक्तिगत रूप से सभी से जुड़ने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में हाल ही में वो बाढ़ पहुंचे, जहां पर पहले तो उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों के मित्रों से मुलाकात की। सीएम ने बेलछी और अथमलगोला प्रखंड के सबनीमा में पुराने साथियों से मुलाकात की और पुराने दिनों को याद किया। साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि 1989 में लगातार बाढ़ के लिए काम करते रहे हैं। वहीं उसके बाद उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत की, जहां पर ही जब मीडिया कर्मियों ने उनसे बाढ़ को अलग जिला बनाने से संबंधित सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि बाढ़ को जल्द ही जिला बनाया जाए। सरकार जब राज्य में प्रस्तावित अन्य शहरों को जिला बनाने पर विचार विमर्श करेगी, तो बाढ़ पर अनिवार्य रूप से निर्णय लेने का काम किया जाएगा। इसको लेकर सीएम ने भरोसा भी दिया है। गौर करने की बात यह है कि बाढ़ को जिला बनाने की मांग लंबे अरसे से की जा रही है। वहीं सीएम नीतीश खुद भी साल 1989 से लगातार बाढ़ के लिए काम करते रहे हैं, लोगों की मांग को भी पूरा करते रहे हैं, आगे भी करते रहने का आश्वासन उन्होंने दिया है। बाढ़ को जिला बनाने की मांग मन में है, उम्मीद है कुछ दिन बाद सही समय पर यह काम भी पूरा होगा। लोगों को आश्वस्त करते हुए उन्होंने कहा कि अब दूसरी जगह को हम जिला का दर्जा देंगे तो बाढ़ को कैसे छोड़ सकते हैं, जिसके बाद ही बाढ़ वासियों की उम्मीद भी अब जाग गई है, क्योंकि सीएम नीतीश के इस ऐलान के साथ ही प्रदेश जदयू उपाध्यक्ष विधान पार्षद संजय सिंह ने बताया है कि बाढ़ के लोगों का दिल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीत लिया है। अगर ऐसा हुआ तो बाढ़ की जनता अब आजीवन नीतीश कुमार की आभारी रहने वाली है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जो बाढ़ को जिला बनाए जाने की मांग हो रही है, बल्कि 70 के दशक से ही लगातार बाढ़ को जिला बनाने की मांग चल रही थी। लेकिन लालू यादव के शासनकाल में सरकार के कानों में जू तो नहीं रेंगी, लेकिन जदयू में अब उम्मीदें लोगों को होने लगी है। और सीएम नीतीश के ऐलान के बाद तो बाढ़ के लोगों का मान सम्मान सीएम नीतीश के प्रति और ज्यादा बढ़ गया है। बाढ़ की बात करें तो ब्रिटिश हुक्मरानों के द्वारा सन 1865 में बाढ़ को अनुमंडल का दर्जा दिया गया था। बाढ़ को मगध का प्रदेश द्वार माना जाता है। जिला का दर्जा मिलने से बाढ़ अनुमंडल में विकास की गति तेज होगी। जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के बैठने से प्रशासनिक पकड़ मजबूत होगी। राजधानी पटना से 65 किलोमीटर दूर पर स्थित बाढ़ अनुमंडल का कुल भौगोलिक रकबा 92,818 हेक्टेयर है। इसके अंतर्गत 7 प्रखंड क्रम से मोकामा, घोसवरी, पंडारक, बाढ़, बेलछी, अथमलगोला और बख्तियारपुर है। 83 पंचायतों और 337 गांव को अपने क्षेत्र में समेटे अनुमंडल का ज्यादातर हिस्सा टालका है। इस अनुमंडल की सीमा नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय और समस्तीपुर को स्पर्श करती है। इसके साथ ही उम्मीद है कि आने वाले समय में बिहार में जिलों की संख्या में इजाफा देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।